देखिए, इस उपचार के लिए थोड़ा सा मैं ना हिस्ट्री में जाना चाहूँगा एपिलेप्सी की। आज से 30 साल पहले जब किसी को दौरे पड़ते थे तो वो एक सोशल स्टिग्मा हो जाता था। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके हिसाब से अगर उनकी बातें सुनो तो वो किसी भूत का दौरा साया होता था या किसी चुड़ैल के कब्जे में आ गया है, ये लोगों की मान्यता होती। तो उसमें होता क्या था, उस इंसान को काटना शुरू कर दिया था समाज से, एक कमरे में बंद कर दिया, रस्सी से बांध दिया, चेनों से बांध दिया, मार रहे हैं पीट रहे हैं। वो अगर तड़प रहा है दौरे में तो उसको मार रहे हैं पीट रहे हैं कि भूत चढ़ा हुआ है उसके ऊपर। ऐसे शुरू हुआ लोगों का एपिलेप्सी के साथ पहला इनकाउंटर, है ना, कि लोगों को लगने लगा कि उसको भूत आ गया है। तो उस समय इलाज की तब भी फैसिलिटी थी लेकिन लोग मानते ही नहीं थे इसको कि दौरा है, तो कहते थे किसी पीपल के पेड़ के नीचे गया था तब से ये आके ऐसा हो गया है, तो मतलब वहाँ से भूत चढ़ गया है इसको। तो ये इसका इतिहास है एपिलेप्सी जो ख़राब है काफ़ी, लेकिन ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं एजुकेशन पर। 30 साल पहले एजुकेशन लेवल हम लोगों का इतना अच्छा नहीं था। धीरे धीरे आप देख रहे हो दुनिया बदल रही है, हमारा देश बदल रहा है, लोग पढ़ रहे की तरफ रुझान आ रहा है। तो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उनका ये वाला पार्ट ख़त्म होता जा रहा है, वो साइंटिफिक होते जा रहे हैं। तो आज की डेट में मान लीजिए पहले अगर 1000 एपिलेप्सी केस होते थे तो 100 ही पहुंच पाते थे अस्पताल तक, 900 तो बेचारे वहीं घर के अंदर बंद हो जाते थे या बांध दिया जाता था उनको, या कोई फ़कीर उनका इलाज कर रहा होता था। आज की डेट में अगर 1000 केस एपिलेप्सी के निकल रहे तो मैं ये शर्त से कह सकता हूँ 1000 में से 900 केस कम से कम अस्पताल में जा रहे हैं। तो अभी भी वो सोच रखने वाले लोग हैं जो अभी भी भूत पिशाच और इन सब चीज़ों पर विश्वास मानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि एपिलेप्सी की शुरुआत वहाँ से हुई। इसका इलाज पहले लोगों तो उस समय लोगों को लगता था जो लाइलाज है, भूत चढ़ गया अब तो क्या उतरेगा, ये तो या तो इसके ऊपर फकीर से पिटवाओ उसको, या इसको बांध दो, या इसको मार दो। तो उस समय लोगों के हिसाब से लाइलाज ये दिमाग में बैठ गया था, नहीं इसका इलाज नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के साइंटिफिक दौर में इस इलाज का, इस बीमारी का 100% इलाज है। डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उसका कारण क्या है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर 80% ब्रेन ट्यूमर से निकल जाते हैं और दौरा ख़त्म हो जाता है पेशेंट का। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज, जो चोट के कारण से ब्रेन में चोट लगती है उसके कारण से जो घाव रह जाता है जिससे दौरे उपजते हैं, उस एरिया को अगर आप निकाल दो तो एपिलेप्सी ख़त्म हो सकती है। ये तो मैं सर्जिकल साइड में जा रहा हूँ, उससे पहले जो इलाज होता है मेडिकल, मेडिकल में आजकल बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं जिन दवाइयों से 80% लोगों का इलाज संभव हो जाता है, मिर्गी के दौरे ख़त्म हो जाते हैं। इसमें एक चीज़ है कि कई बार पेशेंट को ज़िंदगी भर दवाई लेनी पड़ सकती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि एक फोकस नहीं होता दौरे का, ब्रेन में मल्टीपल एरियाज ऑफ फोकस होते हैं जहाँ से दौरा निकल रहा होता है। उस केस में दवाइयों को अगर आप बंद करते हो तो दोबारा से दौरा पड़ने की संभावना होती है। 70% केसेज में 2 या 3 साल का प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद दौरे का कंट्रोल 100% हो जाता है। अगर एपिलेप्सी का कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो आज की डेट में सर्जिकल बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, जिसको हम कहते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। उसमें हम उस एरिया को या तो दबाते हैं या ख़त्म कर देते हैं जो कि दौरे को जन्म दे रहा है। तो उसमें एक होता है कि सर्जिकली एक लीड डाली जाती है, उस एरिया को आइडेंटिफाई करके उस लीड को वहाँ डाला जाता है और वहाँ पर हीट जनरेट की जाती है जिससे कि वो एरिया डैमेज हो जाता है। तो दौरे का जो उपजने का सेंटर है वो ख़त्म हो जाता है तो दौरे अपने आप ही बंद हो जाते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर मान लीजिए मल्टीपल एरियाज हैं तो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि आप हर जगह जाके उसको जला नहीं सकते। उसमें फिर आता है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। उसमें ये होता है कि ये जितने एरिया किसी एक एरिया से रेगुलेट हो रहे हैं, ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इसमें क्या है कि 10 एरियाज को एक एरिया कंट्रोल कर रहा है, एक एरिया को 5 एरिया कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर 10 जगह से एपिलेप्सी निकल रही है, वहाँ से करंट शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो हम ये देखते हैं कि इस 10 जगहों को कंट्रोल करने वाला एक एरिया कौन सा है, तो उस एरिया को हम स्टिमुलेट करते हैं, ओवर स्टिमुलेट करते हैं, इसको कहते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। तो वहाँ पे लीड डाली जाती है और करंट पास किया जाता है जिससे कि वो एरिया स्टिमुलेट हो और ज़्यादा फायर करे उन एरिया को दबा के रखने के लिए। तो बेसिकली एपिलेप्सी का अगर आप देखोगे तो 90% तक इलाज संभव है और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, प्रोवाइडेड डैट कि हमें हमारी अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, हमें टाइम से हॉस्पिटल में हमारे को एंट्री बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बार बार दौरे पड़ते रहते हैं तो वो भी ब्रेन को काफ़ी हद तक डैमेज कर देते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमारे ब्रेन में जो सर्किट्स होते हैं, जो वायर्स हैं हमारे ब्रेन के, उनमें शॉर्ट सर्किटिंग, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रेन के बारे में। ब्रेन इज़ ए मैस ऑफ ए बंच ऑफ वायर्स।
ब्रेन में बेसिकली बहुत सारे वायर्स हैं जो घूम रहे हैं, जो कि हमारी सारी जो वर्किंग है बॉडी की उसको रेगुलेट कर रहे हैं। तो ये इसमें करंट दौड़ रहा है बेसिकली पूरे ब्रेन में। तो एपिलेप्सी समथिंग जिसमें कि मान लीजिए कि